ये देखो ना, आईफोन 13 प्रो मैक्स ये ग्लास हमने ही चेंज किया था, पर इसमें क्या हुआ ना, लोट आता है ना बैक ग्लास को ना, ओरिजिनल बोल कर आते हैं, वैसे ओरिजिनल ही होते हैं ना। ये देखो ना, दो गम के निशान आ गए, ये देखो ना निशान पड़ गए बैक ग्लास में, जिसके कारण कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी कि मुझे चेंज करके दो। चलो वो भी सही है अपनी जगह पे, हमारी भी कोई गलती नहीं होती, किसी वेले ग्लास आते ना उस लोट ग्लास में कोई ना कोई ग्लास ख़राब आ ही जाता है, जिसके करके हमको चेंज कर कर देना पड़ता है। ये देखो ना, पूरा ग्लास चेंज कर कर देंगे, न्यू डाल कर देंगे उनको, पर ऐसा कभी कभी हो जाता है, ग्लास की क्वालिटी सही नहीं होती, जिसके कारण दिक्कत आती है। क्योंकि ये जो निशान है, ये ग्लू का है, जो पीछे गम लगाई हुई थी ना हमने ग्लास जोड़ने के लिए, उसके निशान है ये। ग्लास की क्वालिटी बहुत घटिया थी, जिसके कारण दिक्कत आ गई ना। पर किसी वेले ना क्या बोलते हैं, वो जिनसे मंगाते हैं वो एक दो ग्लास 10 पीस 100 पीस में ना ऐसे डाल देते हैं कि यहाँ भी नुकसान तो हमारा होता है, उनका तो कुछ नहीं जाता, हमें लगाना पड़ता है, फिर उतारना भी पड़ता है ना, दिक्कत बहुत हो जाती है। देखो पूरी बुढ़िया चेक करो, चेंज करेंगे इस ग्लास को, क्वालिटी की दिक्कत होती है, ओरिजिनल भी होते हैं कॉपी भी होते हैं, पर हम ओरिजिनल ही डाल कर देते हैं, किसी वक्त बीच में ऐसा पीस आ जाता है जिसके कारण हमें चेंज करना पड़ता है, नहीं तो हम ऐसा क्यों डाल कर दे, हमने ही चेंज करना है दोबारा ना, इसीलिए हम ओरिजिनल ही डालते हैं। चेक करो फुल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना।